पार्ट टू में तुमने यूनिट फाइव में रीडिंग मोर वर्ड्स एम आप ए उच्चारवाला स्पेलिंग तुमने थोड़ा समझाया था बराबर। तो आज आप पार्ट थ्री में बीजा जो बाकी है ये उच्चारवाला स्पेलिंग शीखवाना है बाळकों। तो तुम तैयार छो मारी साथे शीखवा माटे? तो चलो आप शुरू करिए पार्ट थ्री में ए उच्चारवाला स्पेलिंग। चलो बाळकों दरेक जण मारी साथे इंग्लिश नोनी प्राइमर नी बुक काढशे अने पाना नंबर 49 ऊपर ध्यान आपशे बराबर। आपणे यूनिट 5 रीडिंग मोर वर्ड्स एमां ए उच्चारवाळा स्पेलिंगमां छेल्ली 3 लाइन ई आपणे आजे लेवानी छे बराबर बाळको। तो दरेक जण अहींया ध्यान आपता जजो। एक स्पेलिंग छे ई मारी साथे बे वखत तमारे बोलवानो छे पाना नंबर 49 ऊपर बराबर। चलो एमां पहेलो स्पेलिंग छे एल ए डी एटले लेड। एन ए जी एन ए जी एटले नेग। जे ए एम जे ए एम एटले जेम। हवे आने आपणे જેમય કહી શકીએ અને જામય કહી શકીએ બરાબર। એમ એ એન એમ એ એન એટલે મેન। એલ એ પી એલ એ પી એટલે લેટ। બી એ ટી બી એ टी एटले बेट। त्यार पछी छे एस ए टी एस ए टी सेट। बीजी लाइन में एम ए डी एम ए डी मेड। आर ए जी आर ए जी रेग। आर ए एम आर ए एम रेम। पछी पी ए एन पी ए एन एटले पेन। एम ए पी एम ए पी एटले मैप। त्यार पछी सी ए टी सी ए टी कैट। त्यार पछी छे टी ए एक्स टी ए एक्स एटले टेक्स। हवे त्रीजी लाइन में पहेलो स्पेलिंग पी ए डी पी ए डी पेड। त्यार पछी एस ए जी एस ए जी सेड। त्यार पछी एस ए एम एस ए एम सेम। त्यार पछी नो स्पेलिंग छे आर ए एन आर ए एन रेन। एन ए पी एन ए पी नेप। त्यार पछी एफ ए टी एफ ए टी फेट। अने छेल्लो स्पेलिंग छे W A X W A X Wax। હવે જો આપણે આ એ ઉચ્ચારવાળા સ્પેલિંગ છે એ અહીંયા જે બાળકો પૂરા કરીએ છીએ પાના નંબર 49 ઉપર બરાબર। અગાઉના પહેલા વિડીયોમાં મેં તમને કીધું હતું કે ભાઈ સમાન ઉચ્ચારવાળો તમને કદાચ એક સ્પેલિંગ આપ્યો હોય અને એની ઉપરથી એક્ઝામમાં તમને પૂછી શકે
કે ભાઈ આવા બીજા સ્પેલિંગ તમે બનાવીને લખો તમારી રીતે, બરાબર? તો આ તમે આજે જે આપણે ત્રણ લાઇન છેલ્લી કરી અહીંથી લેડથી તે વેક્સ સુધી, એ ત્રણે ત્રણ લાઇન, એક બે અને ત્રણ, ત્રણે ત્રણ લાઇનના સ્પેલિંગ છે એ તમારે એક સ્પેલિંગ બે વખત લખવાનો છે. લખવાનો પણ ખરો અને સાથે સાથે બોલતા પણ જવાનું, બરાબર બાળકો? થેન્ક યુ. આવજો બાળકો.